छतरपुर के परेथा गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर, डीआईजी और एसपी हाला का जायजा लेने गांव पहुंचा। जहरीली शराब से चार लोगों की मौत उस वक्त हुई है जब मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कच्ची शराब उत्तर प्रदेश से लाई जाती है। घटना की जानकारी के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम परेथे में रहते हैं, पहले तो दिल्ली में रहते थे, अभी जब सास की तेराई हुई तो आए हैं। सास खत्म हो गई थी, ये बीमार तेराई हुई ना, तो उसमें रिश्तेदार जो रहे उसमें खाना पीना हुआ, दारू भी पी है इन्होंने। अब नहीं पता कि मतलब किस वजह से बीमार हो रहा है। अरे पहले मेरा देवर खत्म हुआ, अरे सुबह रह इनको दिखाई नहीं दिया और शाम को वैसे ज्यादा तबीयत खराब हो गई, खत्म हो गए। और मेरा देवर छोटा और मेरा ससुर खत्म हो गया और मेरा पति बीमार है और हाँ पी गई है इन्होंने। दो केसेस में मर्ग हुए हैं और मर्ग में जांच के आधार पर जो हमारे डॉक्टर से पीएम रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर आगे तथ्य सामने आएंगे। और अभी तक जो जांच यहाँ पर की है उसके आधार पर कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचना अभी उचित नहीं होगा। सर, इस गांव में शराब का ज़्यादा प्रचलन समझ में आ रहा है, जहाँ देखो वहाँ क्वार्टर है और यूपी बॉर्डर होने के कारण यूपी की शराब भी यहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में आती है, क्या शराब कारण हो सकता है? जांच के बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा, बाकी जब तक हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य नहीं आएंगे कुछ भी कहना नहीं। बताइए यार, तीन लोग अभी बीमार हैं, जिला अस्पताल रेफर हैं, तो उनके परिवार की भी नहीं है, तो सर क्या शराब से जुड़ा मामला हो सकता है? नहीं, अभी मेरी वहाँ जो सिविल सर्जन है डॉक्टर तिवारी छतरपुर में, उनसे बात हुई थी, तो वो तो तीनों जो छतरपुर में आउट ऑफ डेंजर हैं, उनको कोई ऐसा इशू है नहीं। अब जरा वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो उनसे ही बात की जाएगी, क्योंकि अभी वो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पूछताछ करें और उनको प्रॉब्लम हो तो उस कारण से अभी वेट करेंगे, पहले वो ठीक हो जाएँ।